प्रसार भारती की तरफ से आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी, 47th ई ऑक्शन का अनाउंसमेंट डीडी फ्रीडिश के MP02 स्लॉट वाले ग्राहकों के लिए कर दिया गया है। तिथि है 27 जुलाई, जब वो सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को जो भी चैनल आना चाहते हैं। 28 जुलाई को इसका ई ऑक्शन होगा और आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 6 अगस्त 2020 से देखने को मिलेगा। 31 मार्च 2021 तक ये सारे चैनल आपके टीवी स्क्रीन पर रहने वाले हैं, लेकिन कितने चैनल आपके टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से चैनल वो हो सकते हैं, साथ ही साथ और भी क्या प्रक्रियाएं हैं जिसको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको उन चैनल्स को देखना है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो आए डीडी फ्रीडिश से रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल वीडियो तो आप लोग उसका लुत्फ उठा सकें। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लास्ट में जाके शेयर कीजिएगा, अभी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो की शुरुआत करते हैं डीडी फ्रीडिश के द्वारा पिछले कुछ समय के अंदर 45th ऑक्शन किया गया MP02 स्लॉट के लिए और वहां पे आए काफी बड़े बड़े चैनल। कौन से चैनल आए, तो स्टार उत्सव आ गया, उसके साथ साथ आपको देखने को मिला सोनी का सोनी पल और जी अनमोल और साथ ही साथ रिश्ते सिनेप्लेक्स। ये सारे चैनल आने के बाद बहुत ज्यादा TRPs में उछाल आया इन सारे चैनल्स के, चैनल्स आपके टीवी स्क्रीन पे आने लगे, उसके बाद डिमांड होने लगे जो कि पहले के चैनल्स काफी बड़े बड़े चैनल्स थे स्टार के सोनी के जो कि पहले आते थे उनके डिमांड की जाने लगी। और उसके बाद अभी आज की डेट में देखा जाए तो वैसे तो 3 स्लॉट खाली है लेकिन 5 स्लॉट खाली हो सकते थे। मूवी प्लस और मनोरंजन ग्रैंड दो ऐसे चैनल हैं जिन्होंने डीडी फ्रीडिश से आग्रह किया कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम जो अमाउंट है वो पे नहीं कर सकते इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि हर महीने उनको कुछ पैसा पे करना होता है। अब ये मामला चला गया टिटसेट में, टिटसेट के अंदर जब केस जाता है और उसमें जाने के बाद बोला जाता है टिटसेट के द्वारा डीडी फ्रीडिश को कि इनको अभी रहने दिया जाए और आने वाले कुछ समय के अंदर इस पे बात होगी। तो आज की डेट में 3 स्लॉट खाली है और 3 स्लॉट के ऊपर कौन से चैनल आएंगे, क्या स्टार के चैनल आएंगे खाली या फिर सोनी का सोनी वाह आएगा, देखिए अभी कुछ भी क्लियरिटी से नहीं बताया गया है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद ये जताई जा रही है कि स्टार का एक स्पोर्ट्स का चैनल आने की काफी ज्यादा उम्मीद है। स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट जो कि पहले आप देख रहे थे और वो चैनल हट गया था, लेकिन आने का पूरा संभावना बन रहा है कि आज की डेट में स्टार स्पोर्ट्स के व्यूअरशिप में कमी आई है क्योंकि कोई भी मैच चल नहीं रहे हैं और पुराने मैच होने के कारण वो लोग चाह रहे हैं दोबारा से कि डीडी फ्रीडिश के ऊपर आए और वहां पे जो कुछ कस्टमर्स हैं वो लोग वापस जुड़ सकें। तो स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट के आने की काफी ज्यादा संभावना है। अब साथ ही साथ एक और चैनल की बात की जा रही है जो कि काफी ज्यादा डिमांड में है, स्टार भारत। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार भारत के आने की संभावना काफी कम है क्योंकि एक आज की डेट में प्रीमियम चैनल हो चुका है और स्टार भारत डीडी फ्रीडिश के ऊपर 99% चांस है कि नहीं आएगा। स्टार उत्सव मूवीज जो कि काफी ज्यादा डिमांड में ये भी चैनल रखा गया है, ये आ सकता है। तो ये दो चैनल कंफर्म हो गए और तीसरा चैनल हो सकता है कि सोनी वाह हो, और सोनी वाह इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये एक मूवी का चैनल है और इसको लेके बहुत ज्यादा बात की जा रही है। वैसे तो सोनी मिक्स और 2-3 चैनल जो बंद किए गए सोनी के द्वारा, उसके बाद से सोनी डीडी फ्रीडिश के ऊपर आने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है और ये जो 47th ई ऑक्शन है इसके आने के बाद हो सकता है कि ये तीनों चैनल आपको देखने को मिले। अगर ये 3 चैनल आपके टीवी स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये 3 चैनल देखने को नहीं चाहिए तो कौन सा चैनल आपको पसंदीदा है जो कि आपको लगता है कि ये हमें देखना है, प्लीज कमेंट कीजिए और साथ ही साथ उन चैनल्स के प्रोफाइल पे जाके भी फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट कीजिएगा तो वो लोग भी सोचेंगे कि हमें आना चाहिए ऑक्शन के अंदर, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। ये 3 चैनल आने की संभावना ज्यादा हो चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन 47th ई ऑक्शन से होकर निकलता है तो मैं आप लोग तो जरूर लेके आऊंगा। तकनीकी स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 6 अगस्त से ये सारे चैनल आपको अपने टीवी स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।